अब ये यहाँ से निकलने लगा है ये थोड़ा थोड़ा, और यहाँ से पता नहीं किसी ने निकाल दिया। ये देखो इसने 50 रुपए में दिवाली वाली लाइटिंग इसमें लगवा ली है। सिर्फ ऐसा पकड़ा, खींचा और निकाला। हाँ आराम से खींच। हेलो गाइस, दिस इज अनुष्ठान राइडर, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरी KTM RC 200 पीछे खड़ी हुई है, और इसमें जो विनाइल रैपिंग करवाई थी मैंने, इसका वीडियो डाला था। विनाइल रैपिंग का पूरा वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लें। तो उस वीडियो में 5 लाख व्यू क्रॉस हो गए हैं, और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि विनाइल अच्छा नहीं लग रहा है, इस विनाइल को निकाल दो या चेंज करवा लो। तो मैं आज पूरा विनाइल निकालने वाला हूँ, तो आप देखते हैं। और अगला विनाइल रैपिंग जो मैं करवाने वाला हूँ उसका कुछ सजेशन दो, मैं किस टाइप का विनाइल रैपिंग करवाऊँ, किस टाइप के स्टिकर्स लगवाऊँ इसमें, क्या है ये? क्योंकि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ये पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो इसके पूरे स्टिकर्स विनाइल रैपिंग में हाथ से निकालने वाला हूँ। और विनाइल रैपिंग का यही फायदा रहता है, अगर आप रेडियम लगवा लेते हैं ना तो वो चिपक जाता है, पूरा खराब हो जाता है, उसको आप निकाल नहीं सकते हाथ से। और विनाइल ऐसा है कि जब आपकी इच्छा हो हाथ से पकड़ के खींच दो। अब ऐसा मत करना कि किसी की बाइक खड़ी हो और आप हाथ से पकड़ के खींच दो, ऐसे में बहुत मारेगा वो। मैं मेरी NS पे भी करवाने वाला हूँ विनाइल से। NS तो हम दोनों बाइक पे साथ में करवाने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैं मेरी बाइक की निकाल देता हूँ। मेरी बाइक थोड़े दिन, एक दो हफ्ते नॉर्मल चलाऊंगा मैं, जैसे ओरिजिनल कंडीशन में थी। ओरिजिनल कंडीशन में तो स्टिकर थे, वैसे स्टिकर नहीं रहेंगे इसमें, बट अभी मैं विनाइल रैपिंग निकालता हूँ। गाइस, कभी भी आप लोग विनाइल रैपिंग करवाओ ना तो 2-3 चीजें याद रखें कि तुरंत विनाइल हो तो 2-3 दिन पानी और धूप से बचाएं। हाँ, नहीं तो क्या बबल्स आने का डर रहता है, वो कोरोना से निकलने लगता है। अभी मैं दिखाता हूँ मेरी बाइक में कहाँ कहाँ से निकल रहा है, ये कहाँ कहाँ से बबल्स आए हैं। बाकी दूर से तो बाइक में दिखता नहीं है, बट ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से निकलने लगा है ये थोड़ा थोड़ा, और बाकी नीचे थोड़े थोड़े ये बबल्स दिख रहे होंगे, ये आप बबल्स आए हैं। और बाकी तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और यहाँ से पता नहीं किसी ने निकाल दिया था तो वो थोड़ा सा फट गया है, फाड़ दिया था किसी ने। विनाइल रैपिंग ऐसा कि आप ऐसे पकड़ के खींचोगे तो निकल जाएगा, इसलिए अभी दिखाते हैं आगे, चलिए कैसे निकलेगा, अभी निकालते हैं आप इसको। सो देखते हैं कैसे निकालेगा आयान खान। ये देखिए, सिर्फ ऐसा पकड़ा, खींचा और निकाला। ये देखिए, विनाइल का यही फायदा रहता है कि आप देख सकते हैं ये धीरे 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 आप सारे कॉर्नर से निकाल दें। किसी दिन लाइट आइट नहीं रहे, टाइम पास नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हो, अच्छा लगेगा। और पड़ोसी की बाइक में भी आप ऐसा कर सकते हो अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो, बस ध्यान रखिएगा कि पड़ोसी के घर पे CCTV ना लगा हो। आयन रुक, वो थंबनेल के लिए नुचा हुआ दिखेगा ना, खींचा वाला। हाँ कॉर्नर से निकालते, दोनों कॉर्नर से निकालते। हाँ ये रुक, हाँ नीचे का भी निकाल दे। ये क्या किया था पता है, बिना खोले किया था इसमें विनाइल रैपिंग पूरी, ऊपर का भी खींच, पूरा खींच, अच्छा दिखेगा। हाँ अब ठीक है, एक साथ ये वापस बाइक ब्लैक ब्यूटी जैक। जिसने लाइफ में ये नहीं किया ना तो उसने कुछ नहीं किया। अब गुस्सा आ गई, देखिए फ्रेंड्स, निकालते समय थोड़ा ध्यान रखना, पता चले आप फेरिंग हाथ में लिया। हाँ ज्यादा ताकत ना लगाए, ये तो फेरिंग हाथ में आ जाएगी, ये तो फेरिंग तो हाथ में नहीं आने वाली। भी ध्यान रखें, ये देखिए। हाँ आराम से खींच, चमक। और ओरिजिनल स्टिकर लगे थे ना वो थोड़ा सा दिख रहा है, ये आने तो बहुत शानदार। ये देख रहे हो कितना प्यार से निकलता, मतलब और मैं सोच रहा हूँ ये वाइजर में जो ब्लैक लगा हुआ है ये शायद रेडियम लगा हुआ है, तो इसको भी निकालूंगा मैं, घर जाके ड्रायर से निकालना पड़ेगा इसको गर्म करके। ये देखो ये टेप ब्लैक टाइप दिख रहा है आपको साइड में, क्योंकि मैं जब लगवाया था ना तब ही ये निकलने लगा था। ये क्या नीचे पानी लगता है ना बाइक चलती है तो। बस
वहीं कृपा रुक जाती है जहाँ पानी लगा कि कृपा रुकी। इसलिए जब भी करवाएं बाइक अच्छे से वॉश करवाएं, जब गाड़ी धुल जाती है उसके बाद डस्ट पार्टिकल नहीं रहते उसमें, तब ही विनाइल रैपिंग करवाएं, धुलवाएं, सुखवाएं, अच्छे से पोछे, जो विनाइल कर रहा है उससे बोलें कि अच्छे से उसको क्लीन करें पहले और उसके बाद फिर विनाइल रैपिंग करें। तो एक साइड से बाइक हो चुकी है ब्लैक और मुझे लग रहा है ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लग रही है बाइक। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बाइक किस कलर में अच्छी लग रही है, पहले अच्छी लग रही थी कि अभी अच्छी लग रही है। मेरे हिसाब से तो अभी ब्लैक में बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, बिना सीट की गाड़ी। तो आज के हम लोग इससे स्टंट ट्राई करने वाले थे, लेकिन ये जो ये लीवर लगवाया था मैंने, इसका वीडियो भी डाला, लेकिन ये लीवर आप ना लगवाएं, स्टार्टिंग में तो अच्छे लग रहे थे, बाकी ये बहुत घटिया लीवर है, थोड़े दिन में ख़राब हो जाते हैं, बाइक गिरती है तो भी ख़राब हो जाएंगे, ना क्लच अच्छे से काम करता है इनमें, ना ब्रेक, और ब्रेक में तो बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये वाले लीवर बिल्कुल भी ना लगवाएं, घटिया लीवर है, एक नंबर के घटिया। मतलब दो दिन की मेहनत और 5-6 मिनट में अपन ने निकाल दिया। लाल चीटी काट लेगी। नहीं काटती रे, मैंने मना कर दिया था। अरे नहीं, एक मधुमक्खी और लाल चीटी से तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मेरी। ये बोर्ड कब लग गया? कल चलते ही गाड़ी में काट लेती है भाई मधुमक्खी तो मेरे को। हाँ तेरे को तो शादी के टाइम भी काट लिया था ना, ये बोलना जरूरी था। गाइस इस व्यक्ति की शादी हो गई है तो इसको कोई भी लड़की वड़की मैसेज ना करें, लेकिन ऐसा हुआ है जिस लड़की के सपने में हुई है। जिस लड़की को अपना रिचार्ज करवाना है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज में अपना नंबर दे दें, मुझे दे देगा ये। क्यों, तेरी रिचार्ज की दुकान है? खोल लूंगा। तो अब गाड़ी इससे लुक बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ और चेचिस पे भी विनाइल है, चेचिस का विनाइल रहने दें, ब्लैक रहने देते हैं, है ना। ये चेचिस पे जो ब्लैक है, और ये एक मैं वॉशिंग करवाने गया था तो उसमें ज़्यादा प्रेशर था इसलिए ये कहीं कहीं से विनाइल छूट गया है चेचिस का, बाकी चेचिस का विनाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देख सकते हैं फाइनली बाइक में क्या लुक आ रहा है। वाशिंगटन से ज़्यादा रोड तो हमारे एमपी की है। ये देखो वाशिंगटन से ज़्यादा अच्छी रोड जिस पे हम खड़े हुए हैं, बट ये अभी चालू नहीं है इसलिए वाशिंगटन से ज़्यादा अच्छी। पानी हो गई और हम यहाँ कचरा नहीं मचाने वाले हैं, कचरा पूरा ले जाके साइड में फेंक देंगे। हाँ। नहीं तो आप लोग बोलने लगो कि वॉशिंगटन से ज्यादा अच्छी रोड पे कचरा मचा रहे हो। और ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था विनाइल वो भी निकल गया, बाइक हो चुकी है पूरी ब्लैक फाइनली। बूटा भैया साइकिल से आ रहा गाना वाले, नहीं और कोई है, जा रहे है अक्षय कुमार बस। तो अब देखिए लुक, एक आरसी और अब सीट लगाने के बाद देख 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 क्यों नहीं सकते, क्योंकि सीट नहीं लगी, लदे कचरा में कदर। अच्छा रुक रुक रुक, उसका वहाँ खांचा मिला उस तरफ के, इस तरफ का ये वाला खांचा मिला ही है भाई, पूरा खांचा मिला पूरा। भाई हमें पूरा खांचे मिले ये लग गई। सो गाइस अब ये लग चुकी है और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो लगाए थे ये भी बहुत घटिया हैं, इनको भी निकाल दिया जाए, कोई काम के नहीं है ये, गाड़ी गिरेगी तो कुछ नहीं रुकता। इसमें इंडिकेटर है ही नहीं गाइस, इंडिकेटर टूट गए हैं दोनों गाइस, दोनों इंडिकेटर घर रखे हुए हैं अगले पिछले। देखिए मैं मेरी गाड़ी का इंडिकेटर दिखाता हूँ, ये नकली गाड़ी मत देखा करो, आगे से देखिए व्यू देखिए बिल्कुल। ये देखो इन्हें 50 रुपए में दिवाली वाली लाइटिंग इसमें लगवा ली है, ये दिवाली की लाइटिंग बाइक में लगवाया है ये। ये रहो बाइक फ्रेंड्स, ये देखिए तो जिसको भी 50 रुपए में ये दिवाली वाली लाइटिंग बाइक में लगानी है
बैड कैप्टन इंस्टाग्राम आईडी है, सर्च करें, ये देखो ये लिखिए सर्च करें और डीएम करें। फाइनली मैं रिप्लाई दे दूंगा, वैसे मैं देता नहीं हूँ लेकिन दे दूंगा। फाइनली रिप्लाई दे देंगे ये, यू नो व्हाट। चलो सो गाइस, दोनों बाइक में अब हम विनाइल रैपिंग करवाने वाले हैं, तो आप कमेंट करके बताइए या फिर आपके पास कोई सजेशन है तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी भी आपको मैं दे दूंगा और अयान की आईडी भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप हम दोनों को सजेस्ट कर सकते हैं। ये एनएस को मॉडिफाई करवाने वाला है और मैं अपनी केटीएम आरसीओ को फिर से मॉडिफाई करवाने वाला हूं, तो आप जल्दी से जल्दी, मतलब एक दो हफ्ते में हम करवा लेंगे, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें और हमें बताएं कि हम किस तरीके का मॉडिफिकेशन करवाएंगे। मेरी आरसी के लिए अगर आप कोई फोटो भेजते हैं मुझे या फिर कोई सजेशन देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने करवाया था, सब लोग बोल रहे थे अच्छी नहीं लगी, तो इस बार देखते हैं। कहाँ प्रैक्टिस? सॉरी गाइस, मैंने हेलमेट नहीं लाया हूँ, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। सो गाइस, टाटा बाय बाय, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये विनाइल रैपिंग निकालने का वीडियो आपको कैसा लगा।